स्थान पर रहा है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस की डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट दुनिया में लोकतांत्रिक देशों की श्रेणियों को लेकर सूची जारी करता है। इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन 5 पैमानों पर किया गया है। चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद, सरकार की कार्यशैली, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति, नागरिक आज़ादी, ये आपने याद रखना है। और इस सूचकांक में 1 से 10 अंकों के पैमाने के आधार पर रैंक तय की जाती है। देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे तो आपको बता दिया कि जो भारत है ये 46वें स्थान पे रहा है और भारत का स्कोर कितना है, 6.91, ये भी आपने याद रखना है। टॉप 3 जान लेते हैं, क्योंकि सूचकांक वाले में हमें टॉप 3 पता होना चाहिए, मतलब भारत का स्थान क्या है, पहला स्थान किसका है और जारीकर्ता कौन है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं सूचकांक वाले क्वेश्चन में। तो नॉर्वे जो है ये 9.75 अंक के साथ पहले स्थान पे है, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पे है जिसका स्कोर है 9.37, फिनलैंड 9.27 अंक के साथ तीसरे स्थान पे है। और इस रिपोर्ट के जारीकर्ता कौन है, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, लंदन यूनाइटेड किंगडम में। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन की टाइप क्या थी, क्वेश्चन की टाइप थी सूचकांक यानी कि इंडेक्स, ठीक है। तो मैं आपको पिछले टॉप 5 सूचकांक और इंडेक्स रिवाइज करवा देता हूँ। विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है, 56वां, पहला कौन है, स्विट्जरलैंड। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है, 66वां, पहला कौन है, अमेरिका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना है, गुजरात। भारतीय स्टेट बैंक की नई आपदा रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है, तीसरे स्थान पर, पहले स्थान पर कौन, अमेरिका। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में भारत किस राज्य की पुलिस शीर्ष पर रही है, आंध्र प्रदेश की, ये आपने याद रखना है। फिर जितनी भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैंने अपनी वीडियो में रिवीजन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, मतलब पिछला क्वेश्चन भी मैं आपको साथ साथ में रिवीजन करवाऊंगा ताकि फ्रेंड्स आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिले। और आप सभी को पता है कि रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्ज़ाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां, ESPN क्रिक इन्फो में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किस क्रिकेटर ने जीता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋषभ पंत, जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं। इन्होंने 15वां ESPN क्रिक इन्फो में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार को जीता है। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने 15वां ESPN क्रिक इन्फो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। इनको यह पुरस्कार पिछले साल ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 89 रन की बेहतरीन पारी के लिए मिला है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ESPN पुरस्कार की घोषणा हुई है इसमें अन्य विजेताओं के बारे में भी जान लेते हैं। 15वां ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किनको मिला है, केन विलियमसन, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, और ये मैंने आपको कल करवाया था। 15वां ESPN क्रिक इन्फो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाज ऑफ द ईयर 2021 खिताब किसे मिला है, काइल जैमिसन को, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। 15वां ESPN क्रिक इन्फो डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसको मिला है, ओली रॉबिन्सन को, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन की टाइप थी फ्रेंड्स खेल पुरस्कार, तो मैं आपको पिछले टॉप 5 खेल पुरस्कारों को रिवाइज करवा देता हूँ। ICC स्प्रिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किस क्रिकेटर ने जीता है,